वाहे गुरु। राख पिता प्रभु मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखारी एक गरीब, राखो राखन हरे। क्यों छूटूं कैसे तरूं पव जल निध पारी, क्यों छूटूं कैसे तरूं पव जल निध पारी, क्यों छूटूं कैसे राख मेरे पीठ ला जन शरण
मन जाई
अनेक जतन कर राखिए, फिर लपटाए जरा जो बन जो
बन गया जो बन गया किच किया Thank you.
समसर बेंती का शब्द है। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। ये गुरु के आगे ढह पड़ने का शब्द है, गिर पड़ना उसके चरणों में और बेंतियां करनी, ये गुरु से सीधी बातें हैं। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। धन गुरुनाथ। और बातें किनकी? भक्तों की। भगत कबीर जी का ये शब्द क्या कह रहे हैं? हमें रास्ता दिखाया है कि अरदास करते कैसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
भगत कबीर जी जिन्होंने अपने मन को जीत कर रखा है, काबू में रखा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काबू में है, पर बेनती क्या कर रहे हैं, हर से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं कैसे छूटूं इनसे, कैसे पार पाऊं, राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी, मैं तेरी शरण में हूं मेरी रक्षा कर, हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, चाहे सिख की अवस्था कितनी भी ऊंची हो जाए, रोम रोम में सिमरन चलने लगे, जो मुंह से बोले पूरा होने लगे, शक्तियां आगे पीछे खड़ी हो हाथ जोड़कर, पर जब गुरु के दर पर आए तो एक ही बात करे गुरु के आगे, पाछा बख्श ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर आकर जताए नहीं कि मैं क्या हूं, यहाँ पर बस मुझे बख्श दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये अवस्था बताई है इस शब्द में, ग्रह तज बन खंड जाइए, कोई अपना घर बार छोड़ दे, बनों में जाकर रहने लगे, ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, जमीन खोद खोद को जो कंद मूल होते हैं वो खाए, भोजन भी अच्छे से ना खाए, अज हूं विकार ना छोड़ई पापी मन मंदा, सारा परिवार छोड़ के चला जाए पर मन में विकार वहां पर भी चलेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव यह मन कंट्रोल में नहीं आता, कोई चारे सारा परिवार घर बार छोड़ के पहाड़ों में बैठ जाए, वाणी कह रही है कि शरीर ने तो छोड़ दिया घर बार पर मन नहीं छोड़ रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस सारे शब्द की पंक्तियां के पाछा बख्श ले रख ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सार है, सार सारी वाणी का, नानक मांगे नाम प्रभ सार, श्री सुखमणि साहब जी में पंक्ति आती है, सारी वाणी में नाम मांगा है, यहाँ पर नाम का सार मांगा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मैं नाम का सार मांगता हूँ, नाम जप जप कर आने क्या चाहिए, आखिर में जो अमृत वाले उठ रहे हैं नाम जप रहे हैं, इसके बदले हम चाहते क्या हैं, बस एक ही बात, अहंकार खत्म हो जाए, निम्रता आ जाए, क्योंकि जब अहंकार खत्म वहीं पर गुरु नानक बैठा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम माने या ना माने हम सब अहंकारी हैं, क्योंकि अगर अहंकार खत्म हो गया होता गुरु नानक को हृदय में प्रत्यक्ष प्रकट कर लिया होता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 1952 की घटना बड़ी प्यारी घटना है सत्संग जी, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। एक किताब है जिसका नाम है भजन बंदगी का प्रताप, उसके लिखा रही हैं हरभजन सिंह सोडी, उन्होंने इतनी प्यारी किताब लिखी है ना, अगर आप कभी जाए हरबंदर से आप उस तरफ तो ये किताब खरीद कर लाएं घर में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस किताब में एक तो होती है साखियां, जो घटनाएं बहुत पुरानी हो चुकी हैं, पर ये घटनाएं उन्होंने वो अंकित किए हैं जो अभी अभी हुई हैं उस वक्त, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हर घटना में बहुत प्यारी शिक्षा है जो उनके साथ घटना घटी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरभजन सिंह जी सोडी लिखते हैं 1952 का समय, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, कहने लगे मैं अमृतसर में रहता था, मुझे पता चला कि मेरा एक मित्र जो दिल्ली में रहता है और एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करता है, मुलाजिम है, उसकी प्रमोशन हो गई है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत बड़ा ओहदा मिल गया, ऑफिसर की पोस्ट मिल गई है उसे, और उसकी ट्रांसफर श्री अमृतसर साहब में हो गई। कहने लगे मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा पुराना मित्र बचपन का इतना बड़ा ऑफिसर बन के अमृतसर साहब आ रहा है, तो मैं जाके उससे मिलूंगा, होता ही चाव होता है, दोस्त मिलेगा मित्र मिलेगा। कहने लगे इत्तेफाक से 2-3 दिन ही हुए थे मैं हरमंदर साहब से माथा टेक कर बाहर निकल रहा था अमृतसर साहब में, तो वो मेरा मित्र मुझे वहीं पर रोड पर मिल गया,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हरमंदर साहब के रास्ते में मिल गया, हम दोनों एक दूसरे के गले लगे, दो तीन मिनट बात की, तो मैंने स्वभाव की जैसे एक आदमी पूछता है मैंने पूछ लिया उससे कि हरमंदर साहब दर्शन करने आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्वाभाविक है ना सात संगत जी, अगर कोई गुरुद्वारे के बाहर मिलेगा आप उससे पूछ लोगे माता टेकने आया था। पर कहने लगे मैंने ये सवाल तो पूछा, पर जो उसका जवाब सामने से आया, कहने लगे मैंने आज तक ऐसा जवाब किसी से नहीं सुना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कहता है उसका मित्र जो बहुत बड़ा ऑफिसर बनकर आया है श्री अमृतसर साहब में, कहने लगा गुरु के दर पे गुरु घर में वो जाए जो रिश्वत लेता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु घर में वो जाए जो कम तोलता हो, गुरु घर में वो जाए जो पाप करते हो। लोग पहले बार पाप करते हैं फिर बख्शाने के लिए गुरु के पास जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। मैं कोई पाप नहीं करता, मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं पूरा ईमानदार हूं, मैं किसी का हक मार के नहीं खाता, मुझे क्या जरूरत है गुरु के पास जाके माथा टेकने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप लोगों का मुझे पता नहीं, पर मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनकी सोच ये है, मुझे अक्सर ऐसे लोग मिलते रहते हैं। बड़े ध्यान से इस बात को समझना, ईमानदार होना, कम नहीं तोलना, अमृत वेले उठना, नाम जपना, दान करना, ये सब अच्छे काम है, बुरे नहीं है, उत्तम है, यही तो गुरु कहता है। पर अगर इन्हीं चीजों का अहंकार हो गया, साथ संगत जी वाणी कहती है अपने अच्छेपन का अगर अहंकार हो गया कि मैं ये करता हूं, वाणी कहती है ऐसी मैल चढ़ जाएगी तेरे हृदय पे, परमात्मा को मिलना तो दूर की बात रही, तेरे अंदर ये जो गुण है एक एक करके ये तुझे छोड़कर चले जाएंगे और जितने अवगुण हैं वो तेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये सोच कई लोगों की है साथ संगत जी कि हम अच्छे काम करते हैं हमें नाम जपने की क्या जरूरत है, हम शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, संगत में आने की क्या जरूरत है, क्योंकि संगत में आने वाले कई खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उनसे अच्छे तो हम हैं, ये सोच होती है लोगों की। बाबा अनंत सिंह जी के पास कुछ लोग इकट्ठे होकर आ गए, शिकायत की कि आपका फलाना खास सेवादार शराब पीता है, बाहर जुआ खेलता है, इससे अच्छे तो हम हैं। ठीक है आपकी संगत नहीं करते पर ना शराब पीते हैं ना जुआ खेलते हैं, हम अच्छे हुए ना, ये संगत करने वाला तो बुरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे नहीं आप गलत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बात को ध्यान से समझना साथ संगत जी। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे आप गलत हो, ये शराब पीता है जुआ खेलता है पर संगत में रोज आता है, रोज सुनता है कि शराब पीना बुरी बात है, जुआ खेलना बुरी बात है, पता नहीं कौन से दिन ये बात इसके हृदय में प्रवेश कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई लोग मिलते हैं साथ संगत जी, हर एक की अपनी सोच होती है, वो गलत नहीं है, पर जहां जिसको जितना ज्ञान है उतनी वो बात करता है। कई लोग मिलते हैं कि ये आदमी गलत है इसको संगत में मत आने दो, पर सोचने की बात है अगर गलत आदमी संगत में नहीं आएगा तो सुधरेगा कहां पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपने साथ एक ऐसे आदमी को रखा जो बहुत ही गलत, हर तरह से उसका व्यवहार गलत, उसकी सोच गलत, तो मुझे कुछ लोग आके कहने लगे आप ऐसे बुरे आदमी को अपने साथ क्यों रखते हैं। मैंने कहा इसीलिए साथ में रखता हूं कि शायद बदलाव आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे वो रोज आता है संगत में, रोज सुनता है, उसका जीवन बदलेगा ही बदलेगा क्योंकि संगत का ये फल है, मिलेगा ही मिलेगा उसे। पर जो आप लोग अहंकार करके बैठे हो, हम खाते नहीं पीते नहीं, संगत में नहीं आते, बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, समझाया उन्होंने बड़े प्यारे ढंग से, कोई एक रुपया कमाता हो चारा ना खर्च कर भी दे तो बारह ना में तो प्रॉफिट में है, वो जो संगत में आ रहा है, अमृत वेले बैठ के नाम जपता है, शराब पी ली जुआ खेलिया, समझो चारा ना आठाना उसने खर्च कर दिया, पर आठाना तो उसके पास बचा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप कोई कमाई नहीं आपकी रोज की,
आपको अहंकार है अपना कि हम शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, पर संगत भी नहीं करते। खर्चा रोज हो रहा है, कमाई एक आने की भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपके अवगुण सारे गुण एक एक करके छोड़कर चले जाएंगे अगर संगत नहीं की तो। कुसंगत का असर हो जाएगा, सारे अवगुण अपने आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए संगत करने वाला कुसंगत करने वाले से 100 गुना बेहतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई लोग मिलते हैं, किसी को कहो ना कि भाई अमृत छक लो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है। कहते हैं मन साफ होना चाहिए, अमृत छकने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें कौन समझाए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का मन मैला था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेले उठो, मन साफ होना चाहिए, अमृत वेले उठने की जरूरत नहीं। गुरु नानक पाशा का मन मैला था, वो अमृत वेले उठते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोच के देखो हम जवाब क्या देते। ये अहंकार है अपने गुणों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तुम्हारा मन साफ है, कल रहे कि ना रहे नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने गुणों का अहंकार हो जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सत्संग जी, और ये आजकल बहुत देखने को मिलती है। इसलिए तो बुल्ले शाह ने कह दिया कि अगर तुझे अपने अमृत वेले उठने पे अहंकार है, समझो हम सारी गुरु नानक मेहर करता है, हम सबको अमृत वेले उठाता है, पर अगर इसी अमृत वेले का हमें अहंकार हो गया कि हम अमृत वेले उठते हैं और दूसरे को छोटा समझे, ये अमृत वेले नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पाशा कहते हैं इससे अच्छा तो तू भी सो जाता है। बुल्ले शाह तो आपको पहले भी सुना चुका हूँ, वो पंक्तियाँ कमाल की कलाम है। कुत्ते को ऊपर कहा है अगर जिसको अमृत वाले उठने पर अहंकार हो जाए, कहते हैं उससे अच्छा तो कुत्ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, गुण बड़ा अनमोल है ये, एक एक गुण, पर अगर इसका अहंकार हो जाए तो बुल्ले शाह जी क्या कहते हैं, रात जागे शाह सदावे, तो रात को जाकर अपने आप को कुछ समझता है, पर रात को तो कुत्ते भी जागते, राती जागण कुत्ते तैथी उत्ते, राती पौंकण बस ना कर दे फिर जा रड़िया विच सुत्ते, यार दा बुआ मूल ना छड़ दे पावे मारो 100-100 जूते। कुत्ते को मालिक 100 जूते मारे दर नहीं छोड़ता। यहाँ पर सेवादार किसी को कुछ कह दे, कहता कल से मैं आऊंगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुत्ते हमसे ऊपर, वो मालिक का दर नहीं छोड़ते, हम मालिक का दर एक बात पर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, हमें क्या पड़ी आने की यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उठ बुलिया यार मना ले नहीं था बाजी ले गए कुत्ते, अगर तूने अपने अमृत वेले उठने पे अहंकार किया तो बाजी कुत्ते ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेले गुरु नानक उठाता है, हम नहीं उठते, ये बात को दृढ़ कर लो अपने मन में, हम नहीं उठते, वो उठाता है, वो तरस करता है। जिस दिन चार लोगों में बैठ के बोल दिया ना मैं तो रात को 2 बजे उठता हूँ, अगले दिन ही नहीं उठ पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने गुणों का अहंकार नहीं, और एक ही तरीका इसे बचने का, क्या हम सब मिलके पुकार करें, क्यों छूटो कैसे करा पाव जल नित पारी, तो
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में बहुत सारी लगभग तो जाने कितनी जगह पर पहले प्रकरण ले चुके हैं, मांस खाने से सख्ताई से मना किया है कि मांस नहीं खाना। पर एक शब्द अंकित है, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। महर्षि बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ये गुरु नानक पातशाह ने पंडितों को उच्चारण किया, पंडितों को अहंकार हो गया कि हम मांस नहीं खाते, हम ऊंचे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जो मांस खाते हैं वो नीचे हैं। तो गुरु नानक पातशाह ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए यहाँ पर ये शब्द उच्चारण किया साथ संगत। कई लोग इस शब्द को फिर गलत तरीके से ले जाते हैं कि गुरु नानक पातशाह ने मांस खाने के लिए कहा है, पर एक पंक्ति इसमें ऐसे नहीं जिसमें कहा हो कि मांस खाओ, जबकि यहाँ पर हर पंक्ति में पंडितों को शिक्षाएं दी हैं कि तुम मांस ना खाने का अगर अहंकार करते हो तो फिर ये भी करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि अहंकार की बात आ गई ना, क्या कहते हैं पातशाह, श्रवण कीजिए। मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान त्यान नहीं जाने। इसी शब्द में दो पंक्तियां हैं। ओ दिसे नरक जांदे, जे ओए दिसे है नरक जांदे, कौन का दान ना लेना। बाहर से बोलिए दान गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते कमाल, आप कहते हो जो मांस खा रहे हैं वो नरकों में जाएंगे, तो फिर उनका दिया हुआ दान कैसे ले लेते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कैसे हो सकता है, दान देने वाला नरकों में जाए और लेने वाला स्वर्गों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा उनके अहंकार को तोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर मांस ना खाना बहुत बढ़िया बात है, ऊंची बात है, गुरु की शिक्षा है, पर अगर ना खाने का अहंकार हो जाए और खाने वाले को हम हीनता की नजर से देखें तो फिर हम उनसे पीछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ रहे हैं साथ संगत, चाहे कितने भी नेक गुण हैं इंसान में, अगर उसे उन्हीं गुणों का अहंकार हो जाए तो पाशा कहते ऐसे गुण तेरे किस काम के हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो दवाई का साइड इफेक्ट हो गया, दवाई ने असर तो किया नहीं, उल्टा दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब भी संगत में आओ, जब भी ये अरदास किया करो जो शब्द चल रहा है कि पाशा मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। अब ये हरभजन सिंह सोढ़ी जी लिखते हैं कि जब उसने ये कहा मैं हैरान हो गया कि मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं कम नहीं तोलता, मैं किसी का हक नहीं मार के खाता, मैं इतना बड़ा ऑफिसर होते हुए आज तक एक रुपये रिश्वत का मैंने नहीं लिया, मैं गुरु के दर पे क्यों जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। अब ये क्या है, उसे अहंकार हो गया अपने अच्छे गुणों का। हरभजन सिंह जी सोढ़ी लिखते हैं, मैंने उसे समझाया, भाई गुरु के दर पर गुरु के चरणों से जुड़े रहने में ही भला है, गुरु के चरणों से जुड़े रहेंगे गुरु दुखों से बचा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अपने गुणों का अहंकार किया, इम्तिहान खड़ा हो जाता है। पर कहने लगे मैंने उसे बड़ा समझाया पर ना माना, वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला गया। नियत निरंकार किया, जिस कुर्सी पर वो बैठा था, इतनी बड़ा ऑफिसर, इतना बड़ा ओहदा, उसके पहले जो ऑफिसर था वो बहुत बड़ा रिश्वतखोर था, हर एक से रिश्वत लेता था। अब उस कुर्सी पर बैठते इस पर भी रिश्वत के इल्जाम लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इल्जाम भी ऐसे लगे कि हैरान हो गया, ना स्टाफ साथ दे रहा है, वो भी खिलाफ, सबूत भी इसके खिलाफ, गवाह भी इसके खिलाफ। ये हैरान है, रिश्वत मैंने ली नहीं, रिश्वत मैंने ली नहीं, मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा केस पड़ गया मुझ पर, गवाह भी मेरे खिलाफ, मेरा स्टाफ भी मेरा साथ नहीं दे रहा, वो भी मेरे खिलाफ ही खड़े हैं क्योंकि ईमानदार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये भाग रहा है वकीलों के पास, बड़े बड़े अफसरों के घरों में चक्कर मार रहा है, मंत्रियों के पास जा रहा है, पर कुछ नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। परेशान हो गया भाग दौड़ करके, अब
अब जाओ, इसका प्रमोशन हुआ था, डिमोशन करके इसे वापस दिल्ली भेज दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और केस चल रहा है कि अगर केस सुनवाई होगी तो सजा पक्का होगी, क्योंकि सारे गवाह सारे सबूत इसके खिलाफ है। पर ये इसे अपनी ईमानदारी पे अभी भी अहंकार है, मान है कि मैं ईमानदार हूँ। इसने क्या सोचा, मैं प्रधानमंत्री से जाके मिलता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चला गया जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने, वो तो मिले नहीं। जब नहीं मिले, काफ़ी दिन भटकता रहा, तो एक दिन उनका काफिला जा रहा था, ये उसकी उनकी कार के आगे लेट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मुझे मिलना ही मिलना है, मैं ईमानदार हूँ, मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा। सब ने देखा, उन्हें लगा ये कोई पागल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे उठा के पागल खाने पहुँचा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो दिन पहले हमने ये प्रकरण लिया था साथ संगत जी, कि भगवान दुख देता क्यों है, इम्तिहान लेता क्यों है, क्योंकि इम्तिहान ही है एक अहंकारी का अहंकार तोड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब उसे ज्ञान होता है कि मेरी ताकत तो कुछ भी नहीं, मेरे गुण तो कुछ भी नहीं, सब कुछ दिया हुआ गुरु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब घर वालों ने बड़ी मेहनत करके, मशक्कत करके, बड़ी मुश्किल से पागल खाने से कई महीनों बाद इसे छुड़ाया। अब ये घर में बैठा चुपचाप सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि अब घर वाले भी इसका विश्वास नहीं कर रहे। बाहर तो कोई इसका विश्वास कर नहीं रहा था, घर वालों के मन में भी आ गया कि शायद इसने रिश्वत खाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये पूरी तरह टूट चुका है। अब पूरी तरह टूट गया तो अंदर से अहंकार निकलना शुरू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन विनम्रता में आ गया, और जैसे ही विनम्रता में आया, मन ध्यान आया अपने मित्र का, हरभजन सिंह सोढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे इसने कहा था कि गुरु के दर पे वो जाए जो कम तोलता हो, जो रिश्वतखोर हो, मुझे जाने की क्या जरूरत है। हरभजन सिंह सोढ़ी लिखते हैं, मुझे इसने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी मेरे पास पहुंची, और उसमें चिट्ठी में ये अक्षर लिखे हुए थे कि मैं हर तरफ से परेशान हो चुका हूँ, हर तरफ से चिंता से घिर चुका हूँ, मेरी मदद करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज आपकी बात याद आ रही है कि गुरु के शरण में रहने से ही सिक्का भला हो सकता है। मैंने गुरु के शरण त्याग दी, इतने महीने में श्री अमृतसर साहब रहा, पर एक दिन भी हरमंदिर साहब माथा टेकने नहीं गया इस अहंकार में कि मुझे जाने की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो हरभजन सिंह जी सोढ़ी लिखते हैं कि मैंने एक चिट्ठी लिखी, उसे रास्ता बताया। उस चिट्ठी में उन्होंने तीन शब्द लिखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो शब्दों के अर्थ लिखे, और तीसरा शब्द कहा इस शब्द का जाप करो, श्रवण कीजिए दो तीन शब्द। जाको चिंता बहुत बहुत, उसने क्या लिखा कि मैं चिंताओं से घिरा पड़ा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देही व्यापैरो गृहस्थ कुटुंब पलटिया, कदे हरख कदे सो, गौण करे चौकुंट का कड़ी न बैसण सोए, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए, चित आने उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। चारों तरफ से जो चिंताओं से घिर जाए, अगर उस वक्त उसे परमेश्वर याद आ जाए, तन मन जो रोगों से भरा पड़ा है शीतल हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे प्रमाण है साथ संगत जी, जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागू होवे दुश्मना साख भी भज खले, सबो बजे आसरा चूके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती वाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी तरफ मुश्किलों से घिर जाए, दुश्मन आगे ऊपर चढ़कर आ जाए, रिश्तेदार दोस्त मित्र भाग जाए छोड़कर, तू अकेला रह जाए, उस वक्त उसे तुझे परमात्मा का नाम याद आ जाए, तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वाणी कहती है। हरबेन सिंह जी सोडी कहते हैं, मैंने उसे लिखा चिट्ठी में कि तू गुरु के दर पे नहीं गया, अब तेरे दिल्ली में तेरे पास शीशगंज साहब गुरुद्वारा है, बंगला साहब गुरुद्वारा है, जो तेरे घर के नजदीक पड़ता है, रोज जा अमृत वेले उठ, रोज जा दरबार में माथा टेक और ये शब्द पढ़, वहां बैठ के रोज अरदास कर। कौन सा? सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सुबह, चिंता लाहे हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये रोज यही करता है, रोज यही आदमी जो कहता है गुरु के दर पे क्यों जाऊं, अब जाकर कहता है सतगुरु आयो शरण तुहारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाशा तेरी शरण में आया हूं, मिले सुख नाम हर सुबह, चिंता लाए हमारी, मेरी चिंता खत्म कर, केस चल रहा है, अगर सारे गवाह सारे लोग मेरे खिलाफ है, सारे सबूत मेरे खिलाफ है, मैंने रिश्वत नहीं ली, तरस कर, अब माफिया मांग रहा है, गलती की नहीं है, पर ज्ञान हो गया कि माफी मांगनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कहता है कि गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, मेरी किर्त सच्ची है, अहंकार है उसे अपने किर्त पर, आज जाकर कहता है सतगुरु आयो शरण तुहारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सोडी हरबंस सिंह जी लिखते हैं, मेरे पास कुछ समय बाद एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि मैं आपका देना नहीं दे सकता। वो मित्र क्या लिखता है, मैं आपका देना नहीं दे सकता। कुछ दिन हुए थे मुझे अमृत वेली उस दरबार में जाते हुए शीशगंज साहब गुरुद्वारे में, ये बेनती करता था सतगुरु आयो शरण तुहारी। कहने लगे पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, सारे सबूत सारे गवाह सारा स्टाफ जो मेरे खिलाफ था सब मेरी तरफ हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। केस फैसला मेरे हक में आ गया, मुझे बाइज्जत बरी किया गया, वापस से मेरा प्रमोशन करके अब मुझे मद्रास में भेजा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साथ संगत जी, एक 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 साखी के एक एक मोड़ पर, एक एक घटना के मोड़ पर शिक्षा है। जब तक अहंकार है इम्तिहान पड़ते रहेंगे, चाहे कितने भी नेक गुणों से भरे हों हम, विनम्रता आ गई इम्तिहान खत्म, उसकी कृपा शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे कितने भी गुण अंदर भर जाए, कितना भी नित्यनेम सिमरन बढ़ जाए, मुंह से कभी ये ना निकले पाछा मैंने इतना पाठ किया है ये फल दे नहीं पाछा, तूने तरस करके इतनी सेवा ली है, इतनी बाणी पढ़वाई है, कृपा कर इसे प्रवान कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन। कबीर जी की अवस्था देखिए, कबीर जी कहते हैं राम कबीरा एक बहे हैं को न सके पछानी, और अरदास क्या कर रहे हैं, राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हम सब मिलकर अरदास करें, सब मिलकर, कोई रसना खाली ना रहे। क्यों छूटो कैसे छूटो
बेठला जन शरण तुम्हारी।